हिमाचल प्रदेश में लगातार फर्जीवाड़ों और घोटालों का दौर जो है वो जारी है। अभी ताज़ा उदाहरण जो है वो प्रदेश के विभिन्न संस्थानों से जिन युवाओं ने एनटीटी का कोर्स किया है उनको लेकर है। केंद्रीय शिक्षा विभाग से प्रदेश के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश का एक भी संस्थान जिनमें प्रदेश के युवा एनटीटी का कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन जो है उसे मान्य प्राप्त नहीं है। जिसका तात्पर्य ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश के इन संस्थानों से जिन अभ्यर्थियों ने, जिन युवाओं ने हाल ही में इस उम्मीद में कि शिक्षा विभाग में 4000 पद जो हैं वो नर्सरी और केजी टीचर्स के सरकार भरने जा रही है और उनमें उनको रोज़गार प्राप्त करने का मौका मिलेगा, इस मंशा से ये कोर्स किए, उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा इस प्रदेश के अंदर हुआ है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश का एक भी संस्थान जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन से मान्य प्राप्त नहीं है, जिसके चलते ये युवा जिन्होंने ऐसे संस्थानों से कोर्स किया है इन पदों के लिए आवेदन करने से वंचित हो जाएंगे। हकीकत ये है कि हिमाचल प्रदेश वर्तमान में एक फर्जीवाड़ा हब के रूप में जो है वो पूरे विश्व में और देश के अंदर स्थापित हो चुका है और युवा शक्ति के साथ, युवाओं के साथ लगातार धोखा हो रहा है, उनके साथ लगातार शोषण उनका किया जा रहा है और युवा शक्ति जो है उसका जो दर्द है, उसकी जो पीड़ा है, उसको समझने का किसी के पास इस प्रदेश के अंदर समय नहीं है। जयराम सरकार राम भरोसे चल रही है, जिसमें ना कोई कायदा है ना कानून है, जिसमें फर्जीवाड़ा हर चीज़ को लेकर है, डिग्रियां फर्जी हैं, संस्थान फर्जी हैं, फैक्ट्रियां फर्जी हैं और सरकार का जो पूरा व्यवस्था और तंत्र है पूरी तरह से नाकाम हो चुका है।